फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, हमने कल बात की थी कि जो तरंग सिद्धांत है उसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। उसके मैंने कारण बताए थे आपको, तीन चार कारण बताए थे कि तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत सिद्धांत की व्याख्या क्यों नहीं कर सकता। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और टॉपिक है आपका फोटोन अवधारणा। फोटोन अवधारणा, फोटोन अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। अगला आपका टॉपिक है फोटोन अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। इसके बारे में हम बात करेंगे कि फोटोन क्या होता है। तो देखो, फोटोन होता क्या है, क्या करता है, इसके बारे में वो चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, न्यूमेरिकल के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसमें से। तो देखो, 1900 में प्लांक ने देखा, 1900 ईस्वी में प्लांक ने देखा कि कोई भी ब्लैक बॉडी है, कृष्णिका है। कृष्णिका 11th क्लास में ना आपको पढ़ाई है। ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी सतह जो अधिकांश प्रकाश का क्या करती है, अवशोषण कर लेती है या उत्सर्जन करती है, क्या कहलाती है? कृष्णिका कहलाती है, ब्लैक बॉडी कहलाती है, ब्लैक बॉडी कहलाती है, ब्लैक बॉडी कहलाती है कोई भी सतह। तो प्लांक ने 1900 ईस्वी में बताया कि जब कोई कृष्णिका या किसी सतह पर, ब्लैक बॉडी पर प्रकाश का आप उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है, किसी भी कृष्णिका के द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है या फिर उत्सर्जन होता है, तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ऊर्जा का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, कृष्णिका का ऊर्जा, कृष्णिका का ऊर्जा का जो स्पेक्ट्रम है, ऊर्जा का जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम है, ऊर्जा स्पेक्ट्रम, वो सतत प्राप्त नहीं होता है। कैसे प्राप्त नहीं होता है? सतत प्राप्त नहीं होता है। कैसे प्राप्त होता है? विविक्त रूप से प्राप्त होता है। सतत प्राप्त नहीं होता है। कैसे प्राप्त होता है? विविक्त रूप से प्राप्त होता है। सतत का मतलब आप जानते हो, कहने का मतलब यह है कि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ उत्सर्जन का या फिर अवशोषण ऊर्जा का, वो सतत प्राप्त नहीं हुआ, मतलब समय के अनुसार आवर्ती रूप से परिवर्तित नहीं होता है। कहीं उसका मान ज़्यादा होता है, कहीं क्या होता है, कम होता है, कहीं शून्य हो जाता है, तो उसे कहते हैं विविक्त। क्या कहते हैं? विविक्त कहते हैं, डिस्क्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रीट कहते हैं। समझ में आई नहीं आई बात? सबके समझ में आई होगी, एक बार दोबारा सुनो। हम फोटोन अवधारणा की बात कर रहे हैं। फोटोन अवधारणा के लिए आपको देखो, 1900 में प्लांक ने 11th क्लास में ने बताया है कि कृष्ण का सिद्धांत दिया है। 1900 में प्लांक ने बताया कि कोई भी ब्लैक बॉडी है, कोई भी कृष्ण का है, जब प्रकाश का या ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, अवशोषण करती है, तो उससे जो प्राप्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम है वो कैसा प्राप्त होता है? विविक्त प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? विविक्त प्राप्त होता है, सतत प्राप्त नहीं होता है। समझ में आई नहीं बात? ठीक है, इसी सिद्धांत में यदि आगे बात करें तो इसी सिद्धांत में 1905 में आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक हुए। कौन से हुए? आइंस्टाइन ने बताया था, कब? 1905 में बताया था कि जो प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। तो आइंस्टाइन ने 1905 में बताया कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में गति करता है। किसके रूप में गति करता है? पैकेट्स के रूप में। ये पहले ही पता चल गया बात, ये पहले ही आ गई कि जो ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है या उत्सर्जन हो रहा है, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो सतत नहीं है। कैसा है? विविक्त स्पेक्ट्रम है, डिस्क्रीट लेवल का प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके सिद्धांत को आगे बढ़ाया 1905 में आइंस्टाइन ने बताया कि जो प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे 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 पैकेट्स, मतलब बंडल्स में गति करता है। कैसे गति करता है? प्रकाश है जो ऊर्जा के छोटे छोटे, कैसे? छोटे
छोटे छोटे छोटे पैकेट्स, पैकेट्स कह सकते हैं, मतलब एक समूह पैकेट्स, ठीक है, पैकेट्स, या कह सकते हैं इसको बंडल, क्या कह सकते हैं, बंडलों के रूप में गति करता है, क्या करता है, गति करता है। समझ में आई नहीं बात, सबके समझ में आई होगी, दोबारा सुनो, आइंस्टीन ने क्या बताया है, आइंस्टाइन ने बताया है कि जो प्रकाश है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स में या बंडल्स में गति करता है। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो प्रकाश है, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश की जो ऊर्जा है वो कैसे गति करेगी, पैकेट्स के रूप में, कैसे गति करेगी, पैकेट्स के रूप में गति करेगी, पैकेट्स मतलब एक समूह के रूप में, बहुत सारे कण मिलेंगे, पैकेट्स के रूप में गति करेगी, या फिर इसे क्या कहते हैं, बंडल के रूप में, किसके रूप में, बंडलों के रूप में गति करता है, कौन, प्रकाश। समझ में आई नहीं बात, जो ये पैकेट्स हैं इन पैकेट्सों को क्वांटा कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, ये जो पैकेट्स हैं इन्हें कहते हैं क्वांटा, क्या कहते हैं, क्वांटा, और इनका दूसरा नाम है फोटोन, क्या नाम है इनका, फोटोन। तो यहाँ से देखो क्या होता है, फोटोन प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा है, वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में या बंडल्स के रूप में गति करती है, ठीक है, ये बंडल्स हैं, ये पैकेट्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, क्वांटा कहलाते हैं, और क्वांटा या इन्हें कह सकते हैं फोटोन, क्या कह सकते हैं इन्हें, फोटोन कह सकते हैं। समझ में आई नहीं बात, ठीक है, फोटोन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, फोटोन क्या है, फोटोन ऊर्जा के छोटे छोटे क्या हैं, बंडल्स हैं, ठीक है, या फिर पैकेट्स हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटा, इनका दूसरा नाम क्या है, फोटोन है, क्या है, फोटोन है। अब यहाँ बात करते हैं कि फोटोन के गुणधर्म क्या होंगे, भाई आपको पता चल गया कि फोटोन क्या है, ऊर्जा के पैकेट्स हैं, ऊर्जा के क्या हैं, पैकेट्स हैं फोटोन, ठीक है, हाँ, पैकेट्स, ऊर्जा के पैकेट्स क्या कहलाते हैं, फोटोन कहलाते हैं, और दूसरा नाम इनका क्या है, क्वांटा है, क्या है, क्वांटा है। तो हम बात करें कि फोटोन की, तो फोटोन के गुणधर्म क्या होंगे, कोई भी फोटोन है, फोटोन के गुणधर्म, फोटोन के गुणधर्म, ठीक है, फोटोन का दूसरा नाम क्या है, क्वांटा, क्या है, क्वांटा है, ठीक है, फोटोन का दूसरा नाम क्या है भैया, क्वांटा कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, क्वांटा, ठीक है। अब फोटोन छोटे छोटे कण पैकेट्स हैं, उनको फोटोन नाम दिया, अब फोटोन के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, कि मतलब फोटोन किस वेग से गति करेगा, कैसा कण है, इसका द्रव्यमान कितना होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो मैं एक एक आपके लिए गुणधर्म लिखता जा रहा हूँ। तो देखो पहला जो गुणधर्म है फोटोन का, पहला जो गुणधर्म है वो है फोटोन किसका कण है, ऊर्जा का कण है, फोटोन ऊर्जा कण होता है, या कह सकते हैं पहला आप ऐसे लिखो, फोटोन ऊर्जा से संबद्ध, फोटोन ऊर्जा से संबद्ध कण है, किसे संबद्ध कण है, ऊर्जा से संबद्ध कण है, ना कि द्रव्य से, किससे, द्रव्य से। समझ में आई नहीं बात, फोटोन का संबंध किससे है, ऊर्जा से है, ना कि द्रव्य से, पदार्थ से नहीं है, पदार्थ के कण कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन ये पदार्थ का कण नहीं है, पदार्थ से इसका कोई संबंध नहीं है, द्रव्य से इसका संबंध किससे है, ऊर्जा से है। दूसरी बात करें हम, तो जो फोटोन है, फोटोन जब निर्वात में गति करता है, फोटोन का निर्वात में वेग, फोटोन का निर्वात में वेग कितना होता है, फोटोन का निर्वात में वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। समझ में आई नहीं बात, फोटोन का निर्वात में वेग कितना होता है,
तीन गुणा दस की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात किससे गति करता है फोटोन, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं अर्थात फोटोन प्रकाश के वेग से किससे गति करता है, प्रकाश के वेग से गति करता है, किससे गति करता है, प्रकाश के वेग से गति करता है, किससे गति करता है, प्रकाश के वेग से गति करता है। फोटोन है, फोटोन का निर्वात में वेग कितना हुआ, 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अर्थात प्रकाश किसके वेग से गति करेगा, प्रकाश फोटोन है किसके वेग से गति करेगा, प्रकाश के वेग से गति करेगा। समझ में आई होगी, ठीक है, फोटोन किसके वेग से गति करता है, प्रकाश के वेग से गति करता है। तीसरी बात करें तो फोटोन, जो फोटोन है फोटोन उदासीन कण है, कैसा कण है, उदासीन कण है, फोटोन उदासीन कण है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, फोटोन उदासीन कण है। जब उदासीन कण है तो ये ना तो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होगा और ना ही चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं इसलिए यह विद्युत क्षेत्र, किसमें, विद्युत क्षेत्र और कौन सा, और चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, नहीं होता है। फोटोन कैसा कण है, उदासीन कण है, इसलिए ये ना तो विद्युत क्षेत्र में और ना ही चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। सबके समझ में आ गई होगी। अगला देखो, अगला आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो इसको। ये तीनों गुणधर्म मैंने बताए कि जो फोटोन है किसका कण है, ऊर्जा का कण है, ऊर्जा से संबंध है इसका, ठीक है, ना कि द्रव्य कण है ये। दूसरा है फोटोन का निर्वात में वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात फोटोन प्रकाश के वेग से गति करता है। अगला देखो तीसरा, फोटोन कैसा कण है, उदासीन कण है, इसलिए यह ना तो विद्युत क्षेत्र में और ना ही चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होगा। समझ में आई नहीं बात, सबके समझ में आ गई होगी। तो देखो अगला, देखो चौथा जो इसका गुणधर्म है, चौथा जो इसका गुणधर्म है वो देखो चौथा क्या है, चौथा गुणधर्म है इसका फोटोन है उसकी ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है, कैसी होती है, निश्चित होती है। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है, फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है और किसके समानुपाती होती है, फोटोन की ऊर्जा, इसी में बता रहा हूँ, देखो इसी में देखो, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति, किसके आवृत्ति के समानुपाती, या कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती, समानुपाती होती है। फोटोन की जो ऊर्जा है किसके समानुपाती होती है, आवृत्ति के समानुपाती होती है। यदि किसी फोटोन की, पहले तो बात फोटोन की ऊर्जा क्या है, निश्चित है, और फोटोन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, यहाँ से निकालेंगे, और फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती। मान लिया किसी फोटोन की ऊर्जा क्या है, ई है, तो वो, और आवृत्ति है न्यू, तो फोटोन की ऊर्जा समानुपाती होगी किसके, आवृत्ति के। समझ में आई नहीं बात, यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा तो नियतांक आया, तो ई बराबर में एच न्यू, ये होती है फोटोन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा होती है, ये है आपकी फोटोन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा निश्चित है और उसका मान कितना होता है, E बराबर में H न्यू होता है। H क्या चीज़ है, यहाँ H देखो, H होता है यहाँ प्लांक कांस्टेंट, क्या है, प्लांक
कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, क्या कह सकते हैं, प्लांक स्थिरांक, क्या कहते हैं इसे, प्लांक स्थिरांक कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लांक स्थिरांक कहते हैं इसे। एच क्या है, प्लांक स्थिरांक, ई क्या है, फोटोन की ऊर्जा, न्यू क्या है, फोटोन की आवृत्ति है, समझ में बात, ठीक है। तो यहाँ से प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी निकल के आई, E बराबर में एच न्यू निकल के आई है। तो H का मान कितना होता है, H का मान होता है भैया, H का मान होता है 6.62 गुणा 10 की घात माइनस में 34 जूल और सेकंड। प्लांक स्थिरांक का मात्रक होता है जूल सेकंड, क्या होता है, जूल सेकंड होता है। यहाँ से निकल के आया है H का मात्रक निकाल लेंगे तो H बराबर में क्या हुआ, E बटे में न्यू, यहाँ से निकाल लेंगे जूल, इसका मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का 1/2 सेकंड, सेकंड कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो इसका मात्रक हुआ जूल सेकंड, ठीक है। तो H का मात्रक हुआ जूल सेकंड, मान होता है 6.62 गुणा 10 की घात माइनस में 34। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में मान पूछे तो H का मान होता है 4.1 गुणा 10 की घात माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड। ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ये किस में होता है, जूल में होता है, समझ में आई होगी नहीं आई। E बराबर में एच न्यू किसकी ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा है, ठीक है। H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, H का मान 6.62 गुणा 10 की घात माइनस में 34 जूल सेकंड। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो 4.1 गुणा 10 की घात माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड, समझ में आई नहीं बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो ऊर्जा हुई, मैं यहाँ से ऊर्जा की एक फॉर्म निकाल लेता हूँ, E बराबर में मैं यहाँ न्यू की जगह लिख सकता हूँ, आप जानते हैं न्यू बराबर में होता है सी अपॉन में लेमड़ा, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, और लेमड़ा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, तो यहाँ मान रख सकते हैं तो एच सी अपॉन में लेमड़ा। ये भी अगर तरंग दैर्ध्य दे रखी हो, तरंग दैर्ध्य की फॉर्म में ऊर्जा होती है एच सी अपॉन लेमड़ा, और आवृत्ति की फॉर्म में ऊर्जा कितनी होती है, ई बराबर में एच न्यू, सबके समझ में आई होगी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, देखो आपको फोटोन के बारे में पता चल गया, फोटोन की ऊर्जा कितनी है, अगला जो गुणधर्म है इसका, आगे देखो भैया, अगला जो गुणधर्म है इसका वो है आपका पांचवा गुणधर्म है, फोटोन का विराम द्रव्यमान, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। फोटोन है कोई भी, उसका विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन फोटोन का गतिक द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। फोटोन का गतिक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, फोटोन का गतिक द्रव्यमान कितना आएगा, हाँ भाई देखो फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या है, शून्य है। तो देखो फोटोन का अगला देखें, छठवें नंबर का फोटोन का गतिक द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान, गतिक द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान शून्य होता है, लेकिन फोटोन जब गति करता है तो उसका द्रव्यमान शून्य नहीं होता है, फोटोन का गतिक द्रव्यमान, ठीक है। आप जानते हैं फोटोन की ऊर्जा कितनी है, E बराबर में एच न्यू, ठीक है, समीकरण नंबर 1 दे देंगे इसको, फोटोन की ऊर्जा कितनी है, E बराबर में एच न्यू। आपको ये पता है कि आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है, E बराबर में mc² ऊर्जा समीकरण, E बराबर में होता है mc², ठीक है, इसको समीकरण नंबर दे दिया 2। देखो विराम द्रव्यमान शून्य है लेकिन गतिक द्रव्यमान शून्य नहीं है,
गतिक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, E बराबर में एच न्यू, ऊर्जा है प्रत्येक फोटोन की, और आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है E बराबर में एम सी स्क्वायर। समीकरण एक और दो को हल करें तो देखो क्या आ जाएगा, एम सी स्क्वायर बराबर में एच न्यू। तो यहां से द्रव्यमान, गतिक द्रव्यमान निकालना है तो अपने पास क्या आ जाएगा, एम बराबर में, ठीक है, एच न्यू बटे में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। ये होता है किसका, फोटोन का गतिक द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान, गतिक द्रव्यमान, ठीक है। इसकी जगह आप लिख सकते हो सी अपॉन लेमड़ा, आप यहाँ लिख सकते हो, देखो यहाँ चूंकि हम जानते हैं न्यू बराबर में क्या होता है, सी अपॉन में लेमड़ा होता है, यहाँ रखेंगे तो देखो एम बराबर में क्या आ जाएगा, एस सी अपॉन में, ठीक है, लेमड़ा सी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा सी से सी, समझ में आई नहीं बात। तो आपके पास कितना आ जाएगा द्रव्यमान, एम बराबर में एच अपॉन में लेमड़ा सी, समझ में आई नहीं बात, सबके समझ में आई होगी। गतिक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, वो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू। आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है वो होता है ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। दोनों को हल किया समीकरण और एक और दो को, ये भी ई का मान है, ये भी ई का मान है, तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो एम का मान निकाला है एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर, और न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन में लेमड़ा, तो यहाँ सी अपॉन लेमड़ा रखा तो लेमड़ा नीचे सी से सी कटेगा, कितना आ गया द्रव्यमान, एच अपॉन में लेमड़ा सी। ये होता है फोटोन का गतिक द्रव्यमान, ठीक है। तो देखो आगे बात करते हैं, सबके समझ में आया होगा। देखो छह गुणधर्म बताइए, सातवां गुणधर्म क्या होता है, देखो सातवां गुणधर्म क्या होता है, देखो भैया सातवां गुणधर्म फोटोन है, फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है, फोटोन का संवेग भी निश्चित होता है, फोटोन का संवेग निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है। फोटोन का संवेग क्या होता है, निश्चित होता है। अब बात करें संवेग की, तो संवेग क्या होगा, संवेग होता है P बराबर में, संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान इनटू में वेग। तो फोटोन का द्रव्यमान मान लिया गतिक द्रव्यमान m है, ठीक है, और फोटोन किस वेग से गति करता है, प्रकाश के वेग से, तो संवेग हुआ इसका P बराबर में एम सी, ठीक है। अभी मैंने m का मान आपके पास निकाला था, P बराबर में m का मान आपके पास आया था, गतिक द्रव्यमान में निकाला अभी, और गतिक द्रव्यमान कितना आया था, h न्यू अपॉन में, बताओ h न्यू अपॉन में क्या आया था, अभी मैंने गतिक द्रव्यमान निकाला आपके, तो गतिक द्रव्यमान आया था h न्यू अपॉन में c स्क्वायर। तो यहाँ मान रखें, तो यहाँ रखेंगे m का मान रखा, यहाँ h न्यू बटे में c स्क्वायर और इनटू में सी, सी से सी कट जाएगा, एम का मान यहाँ से रखा, ठीक है, तो एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर, सी से सी कट जाता है, तो द्रव्यमान क्या आ गया, पी बराबर में एच न्यू बटे में सी, समझ में आई नहीं बात, ठीक है, एच न्यू बटे में सी। ये इसका क्या आ गया, एच न्यू, न्यू आवृत्ति है, एच आप जानते हैं प्लैंक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और यहाँ से हमने निकाला इसका संवेग, क्या निकाला, संवेग निकाला, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा मैं यहाँ लिख सकता हूँ h न्यू, और यहाँ e बराबर में क्या होता है, h न्यू होता है, तो p बराबर में क्या आ जाएगा, बताओ p बराबर में क्या आ जाएगा, p बराबर में आ जाएगा e बटे में c। ये क्या होता है, फोटोन का संवेग होता है। तो ये सभी जो फॉर्मूले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एक बार मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। तो सात में जो नंबर का जो गुणधर्म है, फोटोन का संवेग क्या होता है, निश्चित होता है,
ठीक है, कैसे निकालेंगे, संवेग होता है P बराबर में mc, ठीक है। m क्या है, फोटोन का गतिक द्रव्यमान है, गतिक द्रव्यमान मैंने आपको अभी बताया, गतिक द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है, एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर बताया, यहाँ रखा मान तो यहाँ काट दिया, एच न्यू की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, e रख सकता हूँ, तो p बराबर में है e अपॉन में c। समझ में आई नहीं बात, कोई दिक्कत किसी को? देखो आगे बात करते हैं इसकी कि अगला गुणधर्म क्या होगा इसको। तो अब तक आपने संवेग निकाला, गतिक द्रव्यमान निकाला है, ठीक है, ऊर्जा निकाली है, तो देखो आगे, अगला जो गुणधर्म है आठवें नंबर का, अगला गुणधर्म क्या है कि कोई भी फोटोन है, कोई भी फोटोन जब किसी द्रव्य कण से टक्कर करता है तो उसका पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है उसका? पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ, जब कोई फोटोन किसी सतह पर आपतित होता है तो उसका पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषण हो जाता है। जब कोई भी फोटोन है किसी भी सतह पर आपतित होता है तो उसका पूर्णतः क्या कर लिया जाता है? सतह के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। नौवें नंबर का देखो ये फोटोन के बारे में, जब फोटोन किसी सतह पर आपतित होगा तो जब फोटोन किसी सतह पर आपतित होता है तो वह निम्न प्रभाव उत्पन्न करता है। जब फोटोन किसी सतह पर आपतित होता है तो देखो वो कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न करेगा। सबसे पहले तो वो प्रकाश विद्युत प्रभाव, कौन सा प्रभाव? प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा भैया। दूसरा आगे पढ़ेंगे आप अगली कक्षाओं में कॉम्पटन प्रभाव उत्पन्न करेगा, कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगा? कॉम्पटन प्रभाव उत्पन्न करेगा, ठीक है, कॉम्पटन प्रभाव उत्पन्न करेगा। तीसरा युग्म उत्पादन अवक्रिया उत्पन्न होती है। तो कोई भी फोटोन है जब किसी सतह पर आपतित होता है तो वह प्रकाश विद्युत प्रभाव, यहाँ पढ़ चुके हैं आप, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा, क्वांटम प्रभाव उत्पन्न करेगा और युग्म उत्पादन प्रभाव उत्पन्न करेगा। समझ में आई नहीं बात? ठीक है, आप उतार सकते हो। अगर नोट्स में एक दो पॉइंट कम मिले आपको तो यहाँ से आप उतार के कॉपी में लिख लें जो भी पॉइंट कम मिले आपको। तो देखो अगला गुणधर्म, अगला गुणधर्म देखो, दसवें नंबर का, फोटोन है, फोटोन की ऊर्जा निस्तत ब्राह्म द्रव्यमान शून्य उदासीन कण है,
ऊर्जा होती है ई बराबर में एच न्यू, ये सब हम बता चुके हैं। यदि कोई भी फोटोन किसी द्रव्य कण से टक्कर करता है, किसे फोटोन है, फोटोन फोटोन टक्कर करेगा, किसे करेगा टक्कर करेगा, किसे द्रव्य कण से, किसे द्रव्य कण, द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब भी कोई फोटोन द्रव्य कण से टक्कर करेगा, और द्रव्य कण क्या है, द्रव्य के कण क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मान लिया इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा तो फोटोन है उसका अवशोषण हो जाएगा, या फिर अवशोषण नहीं हुआ तो क्या होगा कि कुछ नए फोटोन, कोई नया फोटोन भी उत्पन्न हो सकता है, या तो अवशोषण हो जाता है, क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, किसके द्वारा, पृष्ठ के द्वारा। जब किसी, जब कोई फोटोन किसी द्रव्य कण से टकराता है तो उसका या तो अवशोषण कर लिया जाता है, या अवशोषण ना हो तो क्या हो जाता है, नया फोटोन, कोई भी नया फोटोन उत्पन्न कर सकता है, क्या कर सकता है, कोई भी नया फोटोन उत्पन्न हो सकता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ऊर्जा निश्चित रहती है, क्या निश्चित रहती है, इस पूरे प्रोसेस में ऊर्जा फोटोन की निश्चित रहती है, क्या रहती है, निश्चित रहती है, ऊर्जा निश्चित होती है। तो देखो आपका दसवां पॉइंट क्या है, जब जब कोई फोटोन किसी द्रव्य कण से टक्कर करता है तो उसका या तो अवशोषण हो जाता है या नया फोटोन उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन उसकी इस पूरे प्रोसेस में ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। संवेग भी, संवेग भी क्या होता है, संवेग टक्कर करने पर संवेग भी क्या होता है, संरक्षित होता है, क्या होता है, संरक्षित होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी फोटोन यदि किसी द्रव्य कण से टकराएगा, किसी धातु के पृष्ठ पे आपतित होगा, तो उसकी ऊर्जा और संवेग क्या रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। केवल फोटोन की संख्या बदल सकती है, मतलब नया फोटोन उत्पन्न हो सकता है, समझ में आई नहीं बात, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, अगला देखो पॉइंट, अगला जो पॉइंट है वो 11वें नंबर का पॉइंट देखो। यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, क्या बढ़ा दी जाए, तीव्रता, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो दिए गए क्षेत्रफल से, जो आपको पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दिए गए क्षेत्रफल से, ठीक है, किसी भी क्षेत्रफल से प्रकाश गुजर रहा है, दिए गए क्षेत्रफल से, दिए गए क्षेत्रफल से प्रति सेकंड निकलने वाले फोटोनों की संख्या, निकलने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। तो मैं आप क्या कह रहा हूँ कि यदि किसी प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो किसी दिए गए क्षेत्रफल से, जिसे प्रकाश गुजर रहा है, उस क्षेत्रफल से प्रति सेकंड निकलने वाले फोटोनों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। लेकिन प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा निश्चित रहेगी, क्या रहेगी, निश्चित रहेगी, E बराबर एच न्यू ही बनी रहेगी, निश्चित रहेगी, समझ में आई नहीं बात। दोबारा देखो, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो दिए गए क्षेत्रफल में प्रति सेकंड
गुजरने वाले या निकलने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या रहेगी? ऊर्जा निश्चित रहेगी। कितनी रहेगी? E बराबर में एच न्यू रहेगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये फोटोन के कुछ गुणधर्म हुए, सबके समझ में आ गया। मैंने आपको 10-11 गुणधर्म बताए। फोटोन क्या है? फोटोन है प्रकाश है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में गति करता है। ये कब पता चला? जब प्लांक ने बताया कि कोई भी कृष्ण का है, कृष्ण का आपको भी पढ़ा चुका हूँ, ब्लैक बॉडी जो प्रकाश का अवशोषण करती है या फिर क्या करती है, उत्सर्जन करती है, तो उसका जब ऊर्जा स्पेक्ट्रम बनाया गया तो ऊर्जा स्पेक्ट्रम समय के अनुसार आवर्ती नहीं था, सतत नहीं था, कैसा था? विविक्त था। कैसा था? विविक्त प्राप्त हुआ था, विविक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ था। मतलब कहीं ऊर्जा बहुत ज़्यादा, कहीं बिल्कुल जीरो आ गई, कहीं बहुत ज़्यादा, इस प्रकार से ऊर्जा स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो 1905 में फिर जब आइंस्टीन ने प्लांक के सिद्धांत का अध्ययन किया तो बताया कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आगे बढ़ता है, बंडल्स के रूप में आगे बढ़ता है, और ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं, इन्हें फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। फोटोन इसका दूसरा नाम होता है क्वांटा। क्या कहा जाता है? क्वांटा। इसके गुणधर्म की बात करें तो गुणधर्म मैंने बताए अभी कि प्रत्येक फोटोन है वो प्रकाश के वेग से गति करता है। किसके वेग से गति करता है? प्रकाश के वेग से गति करता है। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। प्रत्येक फोटोन है उसका ब्राम द्रव्यमान शून्य होता है। ब्राम द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है, और ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? आवृत्ति के। तो ऊर्जा कितनी हुई भैया? एच न्यू। कितनी हुई? एच न्यू ऊर्जा होती है प्रत्येक फोटोन की। एच का मान मैं बता चुका हूँ। एच क्या है भैया? एच है, आपको बताया, प्लांक कांस्टेंट है। क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट मतलब प्लांक स्थिरांक है, प्लांक नियतांक है, प्लांक ने दिया है नियतांक। इसका मान भी मैंने बताया अभी आपको, 6.62×10^-34 जूल और सेकंड मात्रक है इसका। समझ में आई नहीं बात? ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 4.1×10^-15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकंड। फोटोन का ब्राम द्रव्यमान तो शून्य होता है, लेकिन फोटोन का गतिक द्रव्यमान शून्य नहीं होता। फोटोन का गतिक द्रव्यमान में निकाल के बताया, एम बराबर में फोटोन का गतिक द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है एच न्यू अपॉन में सी, या फिर कह सकते हैं इसको आगे ई अपॉन में सी कह सकते हैं। समझ में आई नहीं बात? सबके समझ में आई होगी? हाँ, फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू, फोटोन का द्रव्यमान होता है, फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग भी संरक्षित होता है। फोटोन का संवेग, अच्छा फोटोन का संवेग कितना होता है? फोटोन का संवेग पी बराबर में एम सी से मैंने बताया था निकाल के, तो पी बराबर एम सी से जब निकाल के मैंने बताया, अच्छा ऊर्जा जो मैंने बताई थी अभी, एक मिनट, यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, देखो एम बराबर में फोटोन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन संवेग होता है वो होता है पी बराबर में एम सी, तो यहाँ एम सी, तो अभी मैंने बताया, तो यहाँ मान रखेंगे एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर और एन टू में सी, सी से सी कट गया तो कितना आ गया? एच न्यू अपॉन में सी, तो यहाँ क्या? ई अपॉन में सी। सी क्या है? प्रकाश का वेग। सी का मान कितना होगा? सी बराबर में 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। सबके समझ में आया नहीं आया? तो फोटोन की बात की है हमने, तो इसके बाद इसके क्वेश्चन कराएंगे न्यूमेरिकल वगैरह। क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक दो नोट लगवा देता हूँ, जो बहुत ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आने वाले फॉर्मूले हैं। तो देखो मैं आपको नोट लगवा देता हूँ। पहला जो नोट है वो है आपका नोट नंबर फर्स्ट डालेंगे, आप कॉपी में उतारें इसको, नोट्स में नहीं मिलेगा आपको।
नोट नंबर फर्स्ट है तीव्रता क्या होती है, तीव्रता के बारे में बात कर लेते हैं। तीव्रता बहुत बार मैंने तीव्रता बताई, तीव्रता क्या है, एक ऊर्जा है। तो तीव्रता की परिभाषा क्या होगी, तीव्रता की परिभाषा होगी किसी धातु की सतह पर, किसी धातु की सतह पर, किसी धातु की सतह पर एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में या एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा की मात्रा, आपतित ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, आपतित ऊर्जा की मात्रा तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है, तीव्रता कहलाती है किसी धातु की सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाएगी, तीव्रता। तीव्रता को व्यक्त करते हैं आई से, इंटेंसिटी। फॉर्मूला क्या बनेगा, आई बराबर में आपतित उसमें ऊर्जा की मात्रा। तो आपतित ऊर्जा, ऊर्जा ई बटे में क्षेत्रफल इंटू में समय, तो आई बराबर में ई बटे में ए इंटू में टी। ई का मान एच न्यू लिख सकते हैं, एच न्यू अपॉन में ए इंटू में टी। मात्रक की बात करें, देखो तीव्रता का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तीव्रता का आई का मात्रक, ई का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में, जूल, क्या होता है, जूल। तो इसका मात्रक क्या हुआ, इसका मात्रक हुआ जूल बटे में क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर इंटू में समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो तीव्रता का मात्रक क्या हुआ, जूल बटे में मीटर इंटू में, मीटर स्क्वायर अपॉन इंटू में सेकंड। अच्छा, जूल बटे में सेकंड क्या कहलाता है, जूल बटे सेकंड कहलाता है वाट, क्या कहलाता है, वाट। तो तीव्रता का एक मात्रक हुआ, यहां लिख सकते हैं जूल बटे में सेकंड, नीचे लिख रहा हूं जूल बटे में सेकंड, यह क्या कहलाता है, वाट कहलाता है, क्या कहलाता है, वाट कहलाता है। तो तीव्रता का एक मात्रक क्या हुआ, तीव्रता का मात्रक हुआ वाट बटे में मीटर स्क्वायर, वाट बटे में मीटर स्क्वायर, यह तीव्रता का मात्रक हुआ। यहां तक आपको बताया है, कल आगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।